हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल गीतास बायोलॉजी। दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ द बॉटनी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो थे कि आम सीएचएससी एग्जाम पाई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। तो देखिवा कि फर्स्ट क्वेश्चन आमर कौन अच्छी ना, फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट स्पेसीज डाइवर्सिटी। द राइट आंसर इज ट्रॉपिक। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट स्पेसीज डाइवर्सिटी ना ट्रॉपिकल रीजन रे, ट्रॉपिक्स रे। सेकेंड क्वेश्चन अच्छी कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट डैश मिलियन। द राइट आंसर इज 7 मिलियन। से देखिए कहा ना, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि स्पेसीज डाइवर्सिटी इज द प्रोडक्ट आउटकम ऑफ डैश। से कह स्पेसीज डाइवर्सिटी बोले आम कौन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज कौन, तो दैट इज द स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज इवनेस, बोथ ए एंड बी, और डी बायोमास ऑफ स्पेसीज। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इट इज बोथ स्पेसीज रिचनेस एंड स्पेसीज इवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू डैश। आम जानते कि थ्री टाइप्स रो जेनेटिक डाइवर्सिटी अच्छी, तो ये से कही कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रेफर्स टू डैश, वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल, ना वेरिएशन इन द नंबर ऑफ स्पेसीज, ना वेरिएशन इन द पॉपुलेशंस, ना वेरिएशन इन द एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। द राइट आंसर इज वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल। ऑब्वियसली से कहे कि जेनेटिक डाइवर्सिटी देखा जेनेटिक लेवल माने ईच स्पेसीज भितरे पुनी वेरिएशन देखा धरा जो होमोसेपियंस भितरे पुनी केते सारा वेरिएशन देखा दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल रे वेरिएशन देखा जाउछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी कि द मैक्सिमम डाइवर्सिटी अकोर्स होयार। मैक्सिमम डाइवर्सिटी आम कौ जगार देखा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्पेसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकली डिफरेंट ग्रुप ऑकर्स इन ऑलमोस्ट इक्वल अबाउंडेंस, ना स्पेसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकली सेम ग्रुप ऑकर्स इन ऑलमोस्ट इक्वल अबाउंडेंस, ना स्पेसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकली डिफरेंट ग्रुप ऑकर्स इन अनइक्वल प्रोपोर्शन, ना स्पेसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकली सेम ग्रुप ऑकर्स इन द अनइक्वल प्रोपोर्शन। से दुईटा कथा कही अनइक्वल प्रोपोर्शन, आउ दुईटा कही से इक्वल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट से आउ कहा विषय कही ना, आउ गोटे से कही कि सेम ग्रुप डिफरेंट ग्रुप, सेम ग्रुप डिफरेंट ग्रुप। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जो थे कि डिफरेंट ग्रुप थी एंड ऑलमोस्ट इक्वल थी, सीठी आम कह मैक्सिमम डाइवर्सिटी ऑकर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल एरिया, जो थे कि से ए बी सी डी नहीं मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी। ऑलरेडी से डेफिनेशन 5 नंबर क्वेश्चन रे कहीदेला। तो फर्स्ट से दे कि क्रो अच्छी 205, माया माइना अच्छी 198, ए एंड बी एंड सी रे से देची एंड डी रे देची, जो थे कि तुम पाखापाखी इक्वल रे देखिबो, जोटा कि ऑप्शन सी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट मीन्स सी नंबर रे ही से देखिबो लायन देची से केते ना 300 पाखापाखी नंबर देची, देन देची 290, नेक्स्ट देची 305, तो पाखापाखी इक्वल नंबर ऑफ दे थिबारु, तो ये से गोटे डेफिनेशन कहिला कि स्पेसीज जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी केत कहबा ना, स्पेसीज ऑफ टैक्सोनॉमिकली डिफरेंट ग्रुप थिबे, डिफरेंट ग्रुप भितर पुनी इक्वल अबाउंडेंस थिबे। तो एथरे भी आमे कौन देखिले ना, इक्वल अबाउंडेंस देखचंती, जो थे कि एथरे कौन छ गोटे 180 थिला बले आ गोटे, तो सेमन भितर डिफरेंसेस बहुत कम अच्छे कौन ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे ना, मेस द फॉलोइंग कॉलम। सी दे कि अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी कथा कह।
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जो थे कि ए इक्वल टू 3 कथा कहूँ ता माने अल्फा डाइवर्सिटी आम क्या कौन ना विदिन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आम बीटा डाइवर्सिटी क्या कौन ना इन बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी विदिन डाइवर्सिटी हेले ताकु अल्फा डाइवर्सिटी एंड बिटवीन कम्युनिटी डाइवर्सिटी हेले से बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी क्या कौन ना टोटली लैंडस्केप और रीजन ऑफ डाइवर्सिटी गोटे रीजनल एरिया जिते सारा डाइवर्सिटी अच्छी आउ जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन मु ऑलरेडी फर्स्ट कह सारी कि वेरिएशन ऑफ जेनेटिक इनफॉरमेशन तले आम ये कौन जानले गोटे अल्फा डाइवर्सिटी जोटा कि विदिन कम्युनिटी बीटा डाइवर्सिटी बिटवीन कम्युनिटी देन गामा डाइवर्सिटी टोटल लैंडस्केप और रीजनल डाइवर्सिटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीपा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे ना व्हिच टाइप ऑफ इकोसिस्टम डू इंडिया पजेसेस डेजर्ट एंड रेन फॉरेस्ट ना मैनग्रोव कोरल रीफ ना वेटलैंड एस्टुरियन एंड अल्पाइन ना ऑल ऑफ द एबव द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव टाइप रो देखा जाए। तो नेक्स्ट जदि देखिबा तमे ग्लोबल रो पोजीशन रे देखिबो कि इंडिया रो जगह कोठी अछि सही अनुसार तमे जानि परिबो कि को टाइप्स रो रेन फॉरेस्ट देखा जाउछि को अमाउंट रो रेनफॉल होछि एंड जियोग्राफिकल एरिया को देखिले तमे जानि परिबो कि ऑल टाइप रो देखा जाउछि कोठी ना इंडिया पोजीस करछि। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे ना अकॉर्डिंग टू IUCN रो फुल फॉर्म मने रखिकी जीव सब पिला। नेक्स्ट से कौन दे अकॉर्डिंग टू IUCN द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस डिस्क्राइब्ड सो फार इज स्लाइटली मोर देन डैश द राइट आंसर इज 1.5 मिलियन। अकॉर्डिंग टू कहा द्वारा ना IUCN रो 2004 रे तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिस डिस्क्राइब्ड कर छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे कौन देछि ना द नंबर ऑफ एनिमल स्पेसिस इज मोर देन डैश प्लांट तो से कौन कहिछि ना द नंबर ऑफ एनिमल स्पेसिस इज मोर देन डैश प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी फंगाय ब्रायोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अकाउंट्स फॉर नियरली ऑफ द टोटल द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जोड़ा कि 70% एंड 22 से देखिए द नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज इज मोर देन 70 एंड 22 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट से कौन दी द RS इन increasing order of number of species reptiles fishes mammals and amphibians tame increasing order re rakhibo ki sabu to kam jodi rahuchi sera first driver reptiles fishes mammals and amphibians tamanaka book re dekhi paribo ki gote round structure de ke sethira amphibians re non vertebrates vertebrates aur plants manankara list de chi ki kahara amount kete achi तो सहीटा को से देखिकी कौन कही अरेंज करार अच्छी द राइट आंसर इज ऑप्शन डी डी ऑप्शन इज द राइट आउ थे मुझे क्लियर से द ऑप्शन डी इज द राइट जोटा कि ऑप्शन डी जोटा कि फर्स्ट कौन सबुठ मामल रोचे कम रे देन आम्फीबियंस देन रेप्टाइल्स देन फिशेस। नेक्स्ट से देचे आ गोटे इंपोर्टेंट जिनस कि नेक्स्ट क्वेश्चन देमंग द प्लांट प्लांट अंडर कौ मैंने जाऊँगी एल्गी ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन डैश मैक्सिमम डाइवर्सिटी क्या पाखे अच्छी से फंगाइया भितर आड करनी एमंग प्लांट भितर से क्या नहीं एल्गी नहीं ब्रायोफाइटा नहीं टेडोफाइटा नहीं जिम्नोस्पर्म नहीं देन एंजियोस्पर्म जो थे कि द राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म जोटा कि ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दे देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रे दे कि आइडेंटिफाई एक्स तो जो डायग्राम कथा ऑलरेडी कहते कि डाइवर्सिटी एमंग द वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स अंडर रे हमें एक्स को इंसेक्ट हम ना रेप्टाइल्स हम ना बार्ड्स हम ना फिशेस हम ना द राइट आंसर इज फिशेस। नेक्स्ट कौन दे ना इंडिया इज डिवाइडेड इनटू जियोग्राफिकल रीजन
10, not 20, not 3, not 5. The right answer is 10. Diversity biogeographical region ketta na 10 ta. Identify X, Y, Z with respect to biodiversity among invertebrates. Already se vertebrate re dela ta mane jo tinita diagram achi taku dekhi ki jiba ki gote vertebrate re achi, gote invertebrates re achi, a gote plants pai achi. To X, Y, Z and W. जो थे कि से डब्ल्यू एक्स वाई जेड कही जो थे कि आम देखा कि ऑप्शन रे कौन दे ना द फर्स्ट ऑप्शन रे से दे कि इनसेक्ट मलस्का क्रस्टेशियन अदर मामल्स तो सही कि तुम साइट आगे डायग्राम को ये करदेव देन तुम देख कि तुम बुक को जाकि देख कि द राइट आंसर इज ऑप्शन सी कि डब्ल्यू रे कौन अच्छी ना इनसेक्ट देन मलस्का आसो देन क्रस्टेशियन आसो देन अदर इनवर्टिब्रेट्स आसवे नेक्स्ट आम देखा कि 16 नंबर क्वेश्चन से दे कि इंडिया विथ ओनली डैश वाल्स लैंड एरिया पजेसेस नेक्स्ट तो ऑप्शन से देखिए एक्चुअली 2.4 देन दी पजेसेस डैश स्पेसीज डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड रे कितने स्पेसीज डाइवर्सिटी देखा द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जोटा कि 2.4 एंड 8.1 नेक्स्ट देखिए ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट ओनली डैश ऑफ द टोटल स्पेसीज रिकॉर्डेड करा जाय छी द राइट आंसर इज 22 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अप्लाइंग द रॉबर्ट मे ग्लोबल एस्टिमेट मोर देन डैश प्लांट स्पेसीज एंड मोर देन डैश एनिमल स्पेसीज येट टू बी डिस्कवर्ड से केते कहते कि ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो पारिनी आज पर्यंत द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 लाख प्लांट स्पेसीज एंड 3 लाख्स मोर देन 3 लाख्स कहीं ना तार तीन गुणा तो मोर देन 3 लाख्स स्पेसीज डिस्कवर्ड एनिमल स्पेसीज नॉर्मली डिस्कवर्ड आज पर्यंत हो पारिना तो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि देखा नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन देखी ना देयर आर डैश मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज एंड इंडिया रैंक डैश ऑन द ग्लोबल डाइवर्सिटी स्केल द राइट आंसर इज केतोटा मेगा डाइवर्सिटी अच्छी ना 12 मेगा डाइवर्सिटी जो थे कि रैंक रे रखा जाइछी 8th रैंक रे रखा जाइछी तो नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए कि व्हाई द डाइवर्सिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स इज नॉट श्योर दिस आर माइक्रोस्कोपिक ना मे ऑफ दिस कैन नॉट बी कल्चर ना से मानक द कन्वेन्शियल टैक्सोनॉमिक मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड इन द आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोकैरियोट्स ना ऑल द करेक्ट जो ऑल आर करेक्ट द राइट आंसर इज ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू द मामल्स आर मोर डाइवर्स देन रेप्टाइल्स ना वेस्टर्न घाट हैव ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट ना एल्गी इज द लेस डाइवर्स देन लाइकेन्स ना फंगाई आर मोर डाइवर्स देन एंजियोस्पर्म द राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट हैज द ग्रेटर एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन स्पेसीज डाइवर्सिटी मीन्स डैश स्पेसीज ऑलरेडी जेनेटिक डाइवर्सिटी कहती आ गोटे अच्छे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी द लास्ट क्वेश्चन इज स्पेसीज डाइवर्सिटी इज इक्वल्स टू इज मीन्स आम कौन कौन ना नंबर ऑफ स्पेसीज ना स्पेसीज कंपोजिशन ना रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ स्पेसीज ना जेनेटिक डाइवर्सिटी ना राइट आंसर इज ऑप्शन डी रिलेटिव अबाउंडेंस ऑफ स्पेसीज तो नेक्स्ट वीडियो रे आम डिस्कशन करिबा नेक्स्ट पार्ट जो थे कि आउ किछि क्वेश्चन नहीं कि आसबी आज वीडियो एतिकी थैंक यू।